आज बहुत ही प्यारा वेदर है और दिल कर रहा है क्रिस्पी करारे गर्मा गर्म कुछ खाया जाए, तो आज एक स्नैक की रेसिपी बनाऊंगी, वो भी नॉमिनल इंग्रेडिएंट्स के साथ। इससे पहले रेसिपी स्टार्ट करें, आप सभी को रिया का प्यार भरा नमस्कार। क्रिस्पी करारे इस रेसिपी को हम फटाफट बनाएंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेगी, देख रहे हो ना आप ये डिस्प्ले पे। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन ले लिया है जिसे मैंने गर्म कर होने रख दिया है, और यहाँ एक कप में पानी ऐड कर रही हूँ। और जैसे ही पानी हल्का गर्म हो जाएगा, यहाँ हम आगे के इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे जो कि हम स्नैक्स में यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं हाफ टी स्पून जीरा ऐड कर रही हूँ, और जीरा ऐड करने के बाद यहाँ पे हम ऐड करेंगे हरी मिर्च जिसे फाइनली चॉप किया है। अगर आप ये रेसिपी बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप हरी मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर पाउडर है, फ्रेशली क्रस्ट, मोटे मोटे क्रस्ट किए हुए हैं, वो ऐड किया है हाफ टी स्पून। ये 10 से 12 कड़ी पत्ते है जिसे मैंने फाइनली चॉप किया है, वो यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोरिएंडर लीव्स भी फाइनली चॉप करके ऐड कर सकते हैं। चिली फ्लेक्स ऐड करूँ जो कि बहुत ही अच्छा लुक ऐड करेगा हमारे स्नैक को। तो ये सब ऐड कर लिया है हमने, और अब यहाँ पे हम अपने स्नैक्स को ना अंदर से यम सॉफ्ट मेल्ट एंड माउथ बनाने के लिए 1 स्पून यहाँ एडिबल ऑयल ऐड कर रहे हैं जो कि अनफ्लेवर्ड है, वो ऐड करना है। अब देखिए पानी ना बॉयल होना स्टार्ट हो चुका है। इस वक्त हम यहाँ एक बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्नैक्स का, और वो भी सूजी से। ये नॉमिनल वही सूजी है जो हमें हमारे घरों में मिल जाती है ना, ये ज़्यादा फाइन या जो भी सूजी आपके घर में अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि फ़ाइन या दरदरा मोटा वाला कोई सूजी ऐड किया जाए। एक हाथ से मिक्स करते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा सूजी ऐड करेंगे जिससे कि लम फ्री हमारा ये मिक्सचर तैयार होगा। और देखे ना, देखते देखते सूजी अच्छे से तैयार हो गया ये मिक्सचर, और बिल्कुल भी लम्स नहीं पड़ा है, तो बस हमें ऐसा ही तैयार करना था। यहाँ अब हम इसे सूजी के अकॉर्डिंग, यहाँ पे मैं अभी नमक ऐड कर रही हूँ तो टेस्ट के अकॉर्डिंग, और सूजी को ध्यान में रखते हुए यहाँ आप सॉल्ट ऐड कर लीजिएगा। और इस वक्त इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और सूजी भी अच्छे सॉफ्ट सॉफ्ट सी तैयार हो गई है, और अच्छे से मिक्स करेंगे 1 मिनट के लगभग, जिससे कि ये सूजी ना पैन छोड़ने लगे तब तक। तो अच्छे से नमक भी मिक्स हो जाएगी, सब इंग्रेडिएंट्स भी और सूजी भी मिक्स हो गई है, और ये देखिए पैन छोड़ने लगा है। तो बस इतना ही हमें सूजी को यहाँ कुक करना है। बिल्कुल सॉफ्ट हमारा ये मिक्सचर सूजी का बन के तैयार है। सूजी से स्नैक्स बना रहे हैं तो क्रिस्पी बनेगा ही। तो अब फ्लेम को ऑफ करते हैं, इसे कवर करते हैं और रेस्ट करने देते हैं 5 मिनट्स के लिए। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 2 बड़े आलू हैं जिसे मैंने बॉयल कर लिया था पहले ही और फ्रिज में रख दिया था, जिससे ये बिल्कुल चिल्ड हो गए हैं। तो अब रेसिपी बनाने के लिए हम इसी आलू का इस्तेमाल करेंगे। तो पहले इसे पील कर लेते हैं। आप जब भी कोई क्रिस्पी आलू को यूज़ करके स्नैक बनाना चाहते हो ना, और उसे क्रिस्प टेक्सचर या क्रिस्पी क्रिस्पी बनाना चाहते हो, तो आलू को हमेशा बॉयल करके फ्रिज में ठंडा करके इस्तेमाल करें। आपका स्नैक की रेसिपी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो इन आलुओं को हम मैं ग्रेट कर रही हूँ। आप चाहो तो फॉर्क से भी इसे काम को कर सकते हो, या पोटैटो मैशर जो आता है ना उसका भी इस्तेमाल करके आप ये काम कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट ग्रेट कर लेते हैं आलुओं को। और यहाँ मैंने 2 आलुओं का इस्तेमाल किया है, बड़े बड़े आलू हैं, और सूजी जितना है उसका हाफ यहाँ आलू इस्तेमाल हमें करना है। तो बात करते करते हमारा आलू भी अच्छे से ग्रेट हो गया है एकदम फाइनली। चलिए इसे साइड रखते हैं और अपने सूजी वाले मिक्सचर को चेक करते हैं। 5 मिनट हो चुका है, ये अभी बिल्कुल ठंडा नहीं हुआ है पर सेट हो गया है, और इसे हमें बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना है, हल्का ये गुनगुना गर्म रहे ना वैसा ही इसे हमें यूज़ करना है। तो इसे चलिए ये अब सेट हो चुका है सूजी वाला मिक्सचर। आलू जो हमने ग्रेट करके रखा था वो इसमें हमें ऐड कर लेना है, और इसे ऐड करने के बाद हमने
सूजी में जो हमने नमक ऐड किया था ना, उस बात को ध्यान रखते हुए यहाँ पर सिर्फ आलू के लिए मैं यहाँ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। तो आप टेस्ट कर लीजिएगा और इस बात का ध्यान रखते हुए यहाँ सॉल्ट ऐड कीजिए। और अब हमें आलू और सूजी को अच्छे से एक दूसरे के साथ इन्हें मिक्स करना है। तो अगर आप फॉर्क से कर सकते हो तो कर लीजिए, स्पैटुला से मैं सोच रही हूँ हाथ से कर लूँ, जिससे फटाफट हो जाए, अच्छे से हो जाए, हमारे हाथ से अच्छा मिक्सचर तैयार होगा। और ये देखिए बहुत अच्छे से सूजी और आलू मिक्स हो चुकी है। चलिए हाथ को साफ करते हैं और फिर हम अपने स्नैक को शेप अप करेंगे। तो मैंने हाथ को अच्छे से वॉश कर लिया है अब, और इसे मैं हाथों को ना अपने ग्रीस कर रही हूँ ऑयल के साथ, या आप पानी के साथ भी कर सकते हो। और इस सूजी आलू का मिक्सचर जो हमने तैयार किया है, ये हल्का अभी गुनगुना है, इसे हल्के हाथों से ना आप इसके छोटे छोटे पोर्शंस निकालें और इसे शेप करना स्टार्ट करें। स्मूथ करते हुए इसे शेप अप करना है। आप इसे कटलेट का शेप दो, टिक्की का शेप दो, अपने पसंद का कोई भी शेप दे सकते हैं, स्नैक हमारी क्रिस्पी ही तैयार होगी। तो चलिए हल्के हाथों से इसे शेप अप कीजिएगा, बहुत टाइटली इसे हमें तैयार नहीं करना है, शेप अप नहीं करना है। जिससे कि हम हल्के हाथों से करेंगे ना, तो हमारा जो ये रेसिपी है, स्नैक रेसिपी, अंदर से ना एकदम सॉफ्ट मेल्ट एंड माउथ बनेगा। तो इसीलिए कह रही हूँ हल्के हाथों से शेप अप करिए अपने स्नैक्स को। तो चलिए मैं फटाफट इस नाश्ता को शेप अप करती हूँ और फिर इसे हम आगे रेसिपी को मूव करेंगे। अगर रेसिपी अभी तक अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और ये देखिए मैंने सारे मिक्सचर को शेप अप कर लिया है, अच्छा सा शेप अप हुआ है ना। चलिए आगे कुकिंग करते हैं। यहाँ मैंने एक पैन में बहुत सारा ऑयल तेज गर्म कर लिया है, धुएँधार गर्म करना है, हाई हीट पे अब बाकी कुकिंग हमें करनी है। क्योंकि सूजी हमारी कुक्ड है, आलू कुक्ड है, बस हमें अपने स्नैक को क्रिस्प करना है। तो एकदम हाई हीट पे इसे हम करेंगे, क्योंकि सूजी और आलू दोनों काफ़ी सॉफ्ट है, इसे लो हीट पे या गर्म तेल ना होगा, तेल नहीं होगा ना, तो अगर हम डालेंगे तो ये टूट जाएंगे, फट जाएंगे, ये क्रिस्प नहीं होंगे। इसलिए हाई हीट पे इसे हमें फ्राई करना है और ऑयल जो है उसका टेम्परेचर भी हाई होना चाहिए। इससे क्या होगा, जो हमारा स्नैक है ना वो एकदम क्रिस्प तैयार होगा और बिल्कुल ऑयल फ्री जैसा तैयार होगा, बिल्कुल सूखा सूखा, ऑयल ज़्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। तो जितना जाता है पैन में डालिए, जितना आप हैंडल कर सकते हैं उतना इसमें ऑयल में शेप अप मिक्सचर को ऐड कीजिए और फ्राई कीजिए। इसे बार बार पलटना नहीं है, एक तरफ से जब क्रिस्प दिखने लगे, क्रिस्प हो जाए जैसा आप देख रहे हो वीडियो पे, तब इसे आप एक एक करके स्लोली इसे फ्लिप कीजिए और फिर दूसरे साइड से क्रिस्प करना है। और आप देख रहे हो ना जैसे ये फ्राई हो रहा है अंदर से, ये बिल्कुल फ्लफी हो गया है, ऊपर से क्रिस्प हो गया, तो ये मज़ेदार लगेगा खाने में हमारा ये स्नैक रेसिपी, नाश्ता रेसिपी। और एकदम दूसरे साइड से भी क्रिस्प हो गया, बहुत प्यारा कलर आया है। और इसे अब हम हाई हीट पे ही, जो क्रिस्प हो चुका है, जिस पे कलर आ चुका है, एक एक करके हम ऑयल से स्ट्रेन करते हुए निकाल लेंगे और बीच बीच में से हिलाते रहेंगे, जिससे कि अच्छे से कलर आ जाए। और बहुत प्यारा कलर आ चुका है, टेक्सचर आप महसूस कर पा रहे होंगे इसके क्रिस्पीनेस को भी। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं अपने स्नैक्स को, और मुझे इसको इसके साथ चाय बनानी है, तो मैं चाय की तैयारी करती हूँ और इसे अब डिश आउट भी कर लेती हूँ। तो मैंने सॉस के साथ इसे प्रेजेंट किया, चाय बन रही है। रेसिपी अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय।